डीपी सर स्टार्ट कराइए। अजमी सर, अजमी सर, सर अच्छा सर आप जो है वो बैठाइए सर को, बोल दीजिए सर खड़े हो गए, दीपक जलाना है। आप दीपक लाइटिंग कर दीजिए, मासिस हो गई पंखा जरा फेसबुक लाइव मैंने कर दिया था ये। चल ना चल, फोटो नहीं ले रहे हम, लाइव किए फोटो आप ले लें सर। तो आप उसे पहने जाओ, साइड हो जाओ, खड़े हो जाओ, पीछे बैठ जाओ। आप परिचय कराइए सर का, है ना, इसका प्रूफ बनाइए। चलिए लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। आदरणीय सर से भी रिक्वेस्ट है कि एसबी संघ इस कार्यक्रम को संचालित करेंगे। आदरणीय एसबी संघ हम सभी स्वामी जी की पर प्रणाम करते
हजार साल जिंदा रहते हैं। तो अव्यक्ति शरीर के रूप में भले ही समाज के समक्ष न हो, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसा व्यक्तित्व हैं जिनके विचार सैकड़ों साल से 1893 में शिकागो के धर्म सम्मेलन में जो विचार उन्होंने व्यक्त किए हिंदू दर्शन भारतीय दर्शन के बारे में, आज सैकड़ों साल से ऊपर हो गए और वह विचार समाप्त नहीं हुए बल्कि दिनों दिन उत्तरोत्तर वो बढ़ते ही गए। उस काल में आज जिस हिंदुत्व की हम बात करते हैं, जिस हिंदुत्व पर गर्व कर भारतीय उपमहाद्वीप में स्वामी विवेकानंद जी वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और इस नारे को विश्व हिंदू परिषद ने, हमें याद है 85-86 में जब राम भूमि का आंदोलन शुरू हुआ, 89 में पीक पर पहुंचा था, तो स्टीकर लगे बने और लोगों के घर पर चिपकाए गए विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। वास्तव में वह नारा वधे वाक्य स्वामी जी का था। एक दो छोटी घटनाओं के माध्यम से स्वामी जी के आदर्श और जीवन मूल्यों के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि 1893 के शिकागो धर्म सम्मेलन के बाद जब वो भारत लौटे तो उनके पैर में बूट था चमड़े का और सर पर केसरिया साफा था। लोगों ने कहा स्वामी जी आपने तो पाश्चात्य देश का बूट पहन रखा है, खाओ। कहें सुनो भारतवासियों, मेरे पैरों में अमेरिका है और सर पर हिंदुस्तान है, भारत है। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद जी की माता जब वह माँ काली की भक्ति में लीन हुए तो उन्होंने कहा कि माता मुझे काली जी के दर्शन हुए। तुमने कहा कुछ मांगा तुमने उनसे? कहे मांगा तो नहीं, कहे कल जाना और जब काली जी तुम्हारे सामने आए तो उनसे धन और वैभव की मांग करना। स्वामी जी घर लौट गया तो माता ने कहा आज बात भी माता से? कहे हाँ। कहे मांगा तुमने? कहे मांगा तो लेकिन मैंने भक्ति मांगी। फिर यही प्रक्रिया हुई, उनका क्या मांगा? उन्होंने कहा ज्ञान मांगा। फिर तिवारा वो माता जी ने पूछा, तुमने कहा मैंने क्या मांगा? तुमने कहा मैंने वैराग्य मांगा। आज पूरे विश्व में रामकृष्ण मिशन के माध्यम से और हिंदुत्व की, हमें याद है कि हम लोग पढ़ते थे तो स्वामी विवेकानंद का ही यह स्थापित सिद्धांत है कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ धर्म, यद्यपि उन्होंने कहा सभी धर्म श्रेष्ठ हैं और सभी का उद्देश्य है ईश्वर तक पहुंचना। उन्होंने बताया जैसे समस्त नदियां अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग नामों से, अलग अलग रास्तों से बहती हुई अंत में सागर में ही समाहित होती हैं। फिर भी उन्होंने कहा, बात इंटर की है 80-81 की, तब मैंने पढ़ा था कहीं, स्वामी जी ने कहा था कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उपास धर्म वैदिक सनातन धर्म है, क्योंकि वैदिक सनातन धर्म इस नाते सर्वश्रेष्ठ है कि वैदिक सनातन तो ही आप वैदिक सनातन धर्म के अनुयायी माने जाएंगे, आप आस्तिक हैं तो भी माने जाएंगे। और उन्होंने कहा था कि सर्वश्रेष्ठ उपासना पद्धति मूर्ति पूजा है, क्योंकि जब हम मूर्ति पूजा करते हैं तो हम आत्मसात कर लेते हैं सामने वाले को, हमारी एकाग्रता जो है उस पर होती है। जब मूर्ति पूजा का बड़ा विरोध हो रहा था तो स्वामी जी ने यह बात कही थी। आज हम सबको इस बात का गर्व होना चाहिए
स्वामी जी ने 1893 में जो चिंगारी प्रस्फुटित की थी, आत्मा ज्वाला बनकर एक प्रकाश पुंज बनकर समूचे विश्व में फैल गई है। आज वास्तव में दुनिया विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर ही नहीं है। आज आप चले जाइए यूरोप के देशों में, तो छोटे छोटे बच्चे हमारे, आपके यहाँ के बच्चे पबजी खेलने में, टिकटॉक बनाने में, हमारे घर की महिलाएं, युवतियाँ, युवक टिकटॉक बनाने में, पबजी खेलने में, जो तमाम वीडियो गेम आते हैं मोबाइल पर या लूडो खेलने में व्यस्त रहते हैं। और आप देखिए स्वामी जी के ही आदर्शों और उनकी बताए हुए सिद्धांतों का उस पर चलने का ही नतीजा है कि जितनी गीता का प्रचार प्रसार भारत में नहीं है, उससे ज्यादा यूरोप के देशों में है। छोटे छोटे बच्चे भी वहां पर गीता की पुस्तकें भारतीयों को बांटते हैं कि आप इसे पढ़िए। और आज दुनिया पहले योग को कोई मान्यता नहीं देता था, आज पूरी दुनिया के अंदर योग को मान्यता नहीं। आज मुस्लिम समाज के लोग भी, चाहे वो चोरी सही बोलते हो, डॉक्टर साहब बेहतर जानते हैं इसमें कि ओम का उच्चारण करने से, मैं एक उदाहरण दूंगा, माजिद अंसारी साहब हैं, माजिद अंसारी साहब नगर पालिका के कार्यवाहक अध्यक्ष रह चुके हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे हैं, कट्टर मुस्लिम हैं, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के जो यहाँ पर कमेटी के सदस्यों में थे, लेकिन उनका भी वाल वगैरह चोक हुआ, डॉक्टर ने बताया कमरे के अंदर आपको ओम का उच्चारण करना होगा, तो उन्होंने कमरे के अंदर बैठकर ओम का उच्चारण किया, क्योंकि जो ओम है वायु है। और यही बातें 1893 में स्वामी जी ने कही थी और आज वह चरितार्थ हो रही है। बाकी बहुत सारी बातें डॉक्टर साहब बताएंगे। धन्यवाद अजय जी। अब मैं अपने मुख्य अतिथि से आग्रह करूंगा कि वो आए और अपने विचारों से हमारे लोगों को शिक्षित करें, बैठ जाए यहाँ पर, हम उसको प्राप्त करेंगे बैठ कर। में कलकत्ता में हुए पैदा, सन 1863 में
और वो दिन मकर संक्रांति का दिन था, 12 जनवरी। उस समय मकर संक्रांति 12 जनवरी को पड़ी, तो ऐसी स्थिति में पैदा होने पर निश्चित रूप से ऐसे बालक के रूप में उनका आने वाला भविष्य दर्शाता था कि कोई ना कोई महान आत्मा तो है, और वही हुआ। वे बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में पैदा हुए, बहुत ही अच्छे परिवार में पैदा हुए। उनके पिताजी विश्वनाथ जी अटॉर्नी जनरल थे हाईकोर्ट, और माता जी भुवनेश्वरी देवी एक बहुत अच्छी देवी की और शिव की भक्त। पैदा होने के बाद से काफी वो बुद्धि में काफी प्रखर थे, तो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे, तो उनकी बुद्धि का लोहा मानते थे। और जैसे जैसे बड़े होते गए उनको कुतूहल भी रहता था, और सन्यासियों से प्रेम भी करते थे, और उसमें बचपन में ही दान देने के बड़ी उम्र में जिज्ञासा जैसी छुपी रहती थी, क्या चीज उठा करके कोई अगर दरवाजे पे आ गया तो उसको हम दे। इसके लिए कभी कभी उनको माँ बाप से प्रताड़ना भी, थोड़ी थोड़ी झड़की भी सुननी पड़ती। ऐसी स्थिति में बड़े होते गए, और उसमें जब इनका कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज में सिलेक्शन हुआ था उसमें ये नंबर 1 पे थे, और वो बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन कालांतर में समय है, समय सभी का चेंज होता है और कभी भी बदल सकता है, वही हुआ। और समय ने पलटा खाया, इनके पिताजी नहीं रहे, फिर बहुत ही गरीबी से इनको गुजरना पड़ा। इतनी गरीबी से कि जब ये पहले तो हर जगह ही भटकते थे, भाई आपने ईश्वर को देखा है, तो जो कहते थे कि नहीं देखा तो नहीं है, तमाम संतों से मिलते गए, इनकी जिज्ञासा बहुत प्रबल जिज्ञासा। लेकिन जब रामकृष्ण परमहंस जी से मिले तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने देखा है, तुम देखोगे। इनकी वाणी ऐसी थी कि इनको विश्वास जगा, बोले हाँ मैं देखना चाहता हूँ। तो परमहंस जी ने कहा ठीक है, और बताते हैं कि उन्होंने जब इनको छुआ था पहले पैर से, तो उसमें सारी शक्तियों को प्राणिपात करते हैं, ट्रांसफर कर देना आपका, ट्रांसफर किया, और ईश्वर का दर्शन आदि के रूप में करते हैं, जैसा भी हमारे माननीय जी ने बताया। उस समय बड़ी गरीबी थी, जाए तो माता जी परेशान, 7-8 के आसपास इनके भाई बहने थे, बहुत परेशान परेशान हो गए। माँ ने कहा खाने पीने की व्यवस्था नहीं, कुछ तुम घूम रहे हो, जाते परमहंस जी के पास। तो पहले उनके ऊपर विश्वास नहीं करते थे, परमहंस जी ने फिर पूछा कि क्यों आते हो तुम यहाँ, हमारे ऊपर विश्वास नहीं करते थे, मैं तो आपको देखने आता हूँ। बड़े ही वाचाल थे, कभी भी ऐसा नहीं था कि वो किसी बात में ऐसे विश्वास कर लेते थे, तर्क से उसको देखते थे फिर उसके ऊपर विश्वास करते थे। और जब बहुत परेशान हुए तो उस समय कहा था परमहंस जी ने, लेकिन मेरे घर रोटी नहीं मिल रही है, बच्चे खाने में परेशान है, माँ बहुत परेशान है। तब उन्होंने कहा कि तू जाओ माँ से मांगो, जाना धन मांगना, जैसे बताया गया स्वामी विवेकानंद माँ के काली माँ के सामने प्रकट होती हैं और मांगते हैं, मुझे भक्ति दो, ये चीजें बताया। बाहर निकल के आते हैं, परमहंस जी को माना माना, हाँ माना, क्या माना, बोले भक्ति। अरे उनसे बोला था कि जाकर कुछ पैसा मांगना, कुछ रुपया मांगना, जिससे कल्याण हो उसके। 3 बार गए, तीनों बार जैसे उन्होंने बताया भक्ति ज्ञान और वैराग्य को मांगा, पैसा मुझ से नहीं निकला और चल जाते। तो एक व्यवस्था ऐसी है जो कि आदमी से काम कराती है, और उसमें उन्होंने कहा कि सारे संसार में एक ही धर्म को पढ़ाया जाना चाहिए, वो अभी ये जो कि पुराणों और अपने उपनिषदों में लिखा गया, अभी माने अभय, निर्भीकता। जैसे आप बहुत निर्भीक हैं, उन्होंने कैसा निर्भीकता ऐसी चीज है जो कि आदमी के बचपन से मन में डाल देना चाहिए। निर्भीकता को न रहने से आदमी तमाम किस्म के प्रपंचों में फंसता है, तमाम किस्म के बुराइयों में जकड़ता है। निर्भीक रहेगा तो उसको डर ही नहीं,
नहीं हमारा कोई काम बिगाड़ लेगा, हम ही काम नहीं करेंगे, कोई करवाना चाहता है नहीं करेगा, निर्भी का भी भ्रष्टाचार कराना चाहता नहीं करेगा, गलत काम कराना चाहता नहीं करेगा। तो उस समय उनका हिम्मत था, और फिर जब उनके बारे में इतनी ज़्यादा कहानियाँ प्रचलित हैं कि जब उनका 100 वर्ष पूरा हुआ 1963 की बात है, जब एकनाथ राणा डे जी ने सोचा, एकनाथ राणा डे जी सह सरकार वाले थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसने उन्होंने कहा कि इनका एक स्मारक बनाया जाएगा कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी में जब स्वामी जी लौटे थे तो वहाँ की मिट्टी में लोट लगाए थे कि वहाँ से सब कुछ जो मैल है विदेश का सब छूट जाएगा। तो उन्होंने सोचा कहाँ पर बनवाया जाएगा उनका एक स्मारक, और उसमें बहुत अड़ंगे बाजी हुई, बहुत लोगों ने प्रतिरोध किया। वहाँ पे कुछ दूसरे लोग, जैसा कि लिखा गया, कुछ क्रिश्चियन लोग किसी और का वहाँ पर क्रास हो स्थान दिए थे, कुछ मुस्लिम लोग भी उसमें मिल गए थे, सेंट जेवियर के नाम से वहाँ पे क्रास टांगा गया। लेकिन वहाँ के तमिलनाडु और केरल के कुछ नौजवान लड़के पहुँचे और उसको सबको हटा दिया, और एकनाथ राणा डी जी अकेले के दम पे 300 सांसदों का उन्होंने साइन करवाया। और ये हुआ कि इतना बड़ा स्मारक बनेगा कैसे, उसमें अच्युतानंदन जी वहाँ पे मुख्यमंत्री के पद पे थे कुछ दिनों के लिए, और उन्होंने इसमें बोला कि सरकार हेल्प नहीं करेगी। तब राणा डी जी का कोई बात, हम काम करेंगे। स्वामी जी कहते थे उत्तिष्ठ जागृत, खड़े हो जाइए, जगे रहिए, और तब तक मत रुकिए जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। उसी आधार पे काम किया एकनाथ राणा डी जी ने। उन्होंने कहा भाई हम एक एक रुपया सबसे इकट्ठा करेंगे। तो इतना राशि हो गया कि बहुत भव्य स्मारक है वहाँ पे, हम तो वहाँ पे गए हैं, बहुत लोग गए होंगे, आप सभी लोग गए होंगे, लेकिन वही नहीं कि जिस चीज़ को दिमाग नहीं जानता आप उसको ठीक से देख नहीं पाते। बचपन में अगर हम लोगों को पढ़ाया गया होता महर्षि अरविंद के बारे में, विवेकानंद के बारे में, इतना बड़ा ज्ञान उन्होंने दिया है सारे विश्व को कि किसी चीज़ की कोई कमी आदमी को रहती ही नहीं, आदमी पूरा अपने आप को हमेशा भरा महसूस करता, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या है, अभी हम लोग ऐसे महापुरुषों के जीवन दर्शन से प्रभावित नहीं रहे, तो उसमें हम लोग देखते हैं तमाम किस्म की विसंगतियाँ हैं। उन्होंने उसमें कहा था जात से अलग हो जाना चाहिए हमको, सारे के सारे जितने कमजोर लोग हैं उनकी सारी सहायता, जितनी सहायता हो पाए उनकी करनी चाहिए। उन्होंने तो कहा ही कि भाई हम तो ऐसे ईश्वर के उपासक हैं जिनको मूर्ख लोग मनुष्य कहते, तो मनुष्य नहीं, उनका यह मानना था कि हर मनुष्य, हर मनुष्य में भगवान है, उसी की सेवा करो। दरिद्र नारायण की सेवा करने का उन्होंने एक कंसेप्ट दिया पूरे विश्व को, और उसी के तर्ज पे आप देखेंगे बड़े बड़े सेवादार लोग चल रहे हैं, अपनी अपनी जो सेवाओं का उन्होंने विस्तार किया है इसी के आधार पर। घटनाएं सब उनके बारे में बहुत ज़्यादा हैं, जब वहाँ पर जाते हैं तो उनके पास राजा खेतड़ी ने व्यवस्था करी थी जाने की, उनको नाम भी स्वामी विवेकानंद जी का दिया था उन्होंने, और वहाँ जाते हैं तो उनको बोलने के लिए जब बुलाया जाता है तो अपने बड़े प्रभावशाली भाषण में जब वो कहते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, तो उसमें 2.5 मिनट तक तालियां बजती रहती हैं। सवेरे के वहाँ के निवास केरल का एक बड़ा ही प्रतिष्ठित पेपर था, उसने स्वामी जी के बारे में वर्णन किया था। तो धीरे धीरे स्वामी जी जहाँ जाते तो वहीं बड़े प्रभावशाली पढ़ता थे। शुरुआती दौर में बड़ी उनको दिक्कत झेलनी पड़ी, रात में कपड़े नहीं थे, ठंड में कुड़कुड़ा रहे थे, खाने की व्यवस्था नहीं थी, किसी की व्यवस्था किया, लेकिन गिरते पड़ते वहाँ तक पहुँचे। और उन्होंने अपने हिंदू सनातन धर्म का एक प्रचार प्रसार किया, और ऐसा किया कि जो आज तक हम लोग उससे सीख लेते हैं, सीख इसलिए लेते हैं कि बचपन से हमको उसमें पारंगत नहीं किया गया। अभी भी मैं कहता हूँ सभी सरकारों को चाहिए बचपन से बच्चों को पढ़ाए, जब वो आत्मसात कर लेंगे ऐसे। उन्होंने कहा कि केवल हमको 100 ऐसे नवयुवक चाहिए जिनके बाजुओं में फौलाद का दम हो। तो उसमें जब वो बोले तो उसमें भगवती निवेदिता भी थी, उन्होंने
पेश किया, स्वामी जी मैं और निन्यानवे नहीं जानती हूँ लेकिन मैं प्रस्तुत हूँ, जैसा आप मुझे जो भी करना चाहें तो आप मुझे कहीं भी भेज सकते हैं। तो भगिनी निवेदिता ने देखिए कितना बड़ा काम किया। श्री महर्षि अरविंद के साथ जब वो मिदनापुर जिले में जाती हैं उस समय खुदीराम बोस ऐसे क्रांतिकारी पैदा होते हैं। खुदीराम बोस इन दोनों के विचारों से प्रेरित होकर के ऐसी क्रांतिकारी बने कि सबसे कम उम्र में 18 वर्ष 8 महीने की आयु उनको फांसी मिल गई। ये भगिनी निवेदिता वहां भी जाती है जहां पर कि महाराष्ट्र में चापेकर बंधु फांसी पर लटका दिए गए, उनकी माँ से मिलने जाती है तो माँ रोती है तो भगिनी निवेदिता उनको ढाड़स बढ़ाती है, नहीं नहीं रोना नहीं माँ, तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने माँ ने कहा नहीं मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ मेरे लाल खत्म हो गए, मैं इसलिए रो रही हूँ मेरे और लाल क्यों नहीं हुए इस काम को करने के। ऐसे लोगों को उन्होंने पैदा किया जो कि जीवन दर्शन देते, पूरा उन्होंने कई किताबें लिखी भगिनी निवेदिता ने और उसको पढ़ करके काफी लोग अपना जीवन की एक दिशा को पाए। और स्वामी जी का जीवन बड़ा संक्षिप्त रहा, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मैं 40 वर्ष से ज्यादा जिंदा नहीं रहूंगा। 97 की बात है, उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि मेरी चेतना का इतना ज्यादा विस्तार हो गया है कि मेरा शरीर अब अगले 5 सालों तक इस चेतना को धारण नहीं कर पाएगा। और वही 5 साल के अंदर ही मात्र 39 साल 5 महीने 24 दिन के अंतराल पर इनका मृत्यु हो जाता। लेकिन इस छोटे से जीवन काल में उन्होंने जो कुछ विश्व को दिया उसका कोई जोड़ नहीं। अभी भी हम लोगों का ऐसा व्यवस्था कुछ तो बननी ही चाहिए, चाहे सरकार द्वारा चाहे सामाजिक संस्थाओं द्वारा चाहे हम लोग। स्वामी विवेकानंद के जीवन में तमाम ऐसे अवसर जब भी आए उसका मंचन करें, उनकी बातों को सुने समझे और आत्मसात करें। इसलिए सरकार ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव के नाम से उनके जन्मदिन को घोषित किया, वो युवाओं के लिए वो प्रेरणा स्रोत रहे हैं। युवाओं के लिए हमारे यहाँ प्रेरणा स्रोत कभी भी फिल्मी दुनिया के लोग नहीं रहे, लेकिन कालांतर में ऐसा हो गया कि लोग फिल्म से प्रेरणा लेते रहे, हीरो बनने लगे, फिर कहाँ चला गया समाज। आज आप देख रहे हैं अगर बहुत सालों पहले इस स्थिति में हम लोग रहे होते तो शायद आप इस दशा में न होते। अभी 5 से 10 मिनट के आपने कहा था तो हमको लगता है कि समय हमारा समाप्त हो गया है, बहुत कुछ बाकी है उनके बारे में कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, जब तक आपकी इच्छा हो कर सकते हैं। हम लोग किसी दिन गोष्ठी में बैठेंगे, ये विषय वाकई इतना गहन है और इतना हम सभी को आवश्यक जानना है कि हमने 10 मिनट के लिए सोचा था कि पहुँच के लिए और ठीक था अगली बार हम समय और लेंगे, लेकिन आप जैसे लोग यहाँ बैठे हैं जो कि हमेशा तो आज की चर्चा को विराम देते हैं, अगली बार फिर देखते हैं। धन्यवाद सर। अब डॉक्टर साहब के बारे में क्या कहें, इतना वो प्यार करते हैं रोगी को लगा कि एक आग्रह थे, इन्होंने अपने बहुमूल्य समय अपनी सारी दशताओं के बाद भी इन्होंने कुछ क्वेश्चन नहीं किया, तुरंत कह दिया हाँ हम पहुँचेंगे। अब मैं आग्रह करूँगा हमारे एडी जी साहब से धन्यवाद ज्ञापित है डॉक्टर साहब की।
बहुत अच्छा लगा सर ने एक आग्रह पे यहाँ आए रोटरी पर ट्रांसमुंडी का मान बढ़ाया सभी लोग आए अजय जी ने बहुत अच्छी बातें बताई हम लोग को अभी सर ने कहा कि गोष्ठी केवल विवेकानंद जी पे आयोजित की जाए घंटे दो घंटे दो आवर्स टू आवर्स तो फिर से एक प्रोग्राम इसको हम लोग आगे करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।